हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। और गाइज, आज मेरा बर्थडे है। आज मैं खुद ही बता देती कि मेरा आज बर्थडे है और मुझे सबने विश कर दिया है। जिस जिसको याद था उन्होंने मुझे विश कर लिया है। और यहाँ पे ना 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और मौसम भी ऐसे ही हो रहा है, तो मतलब अच्छा मौसम हो रहा है। देखो, आप देख सकते हैं, मैंने ये देखिए गर्म सूट पहना हुआ है। मैंने ये रख दिए थे गर्म कपड़े और ये दोबारे से निकले हैं। और हमारे आप ये देखिए इतना मोटा कंबल भी निकला हुआ है। तो अभी हम लोग फिलहाल तो यही ओढ़ रहे हैं। और आज के दिन भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। हमने सोचा था मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए, लेकिन वही है ना कि अब ऐसे मौसम में भी कैसे जाएं बारिश में भीगते हुए। तो अभी मीरांश भी स्कूल गया हुआ है, तो उसको भी हम लोग साथ में लेकर चलते अगर बारिश रुकती तो कोई बात नहीं। और भगवान जी के मैंने घर पे ही दर्शन कर लिए हैं। और ना मैंने इनको बोला हुआ कि आज मुझे बोल रहे कि बर्थडे में क्या दूँ क्या दूँ। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस मैं आप आया हूँ मेरे लिए आपके लिए बर्थडे गिफ्ट। क्या ये देखिए अतरंगी सतरंगी लेकर आते हैं, ये बर्थडे आज केक काटेंगे इसको लगा के। केक इसको लगा के ये देखिए अभी काटेंगे तो ना मत इसको लगा के। लगाओ रुको ना, क्या केक काटेंगे इसको लगा के। और ये देखो अभी मुझे बस ये होली की याद दिला रहे हैं कलरफुल बाल लगा के। तो मैंने इनको बोला मुझे कुछ मत दो, बस मेरे लिए आप गाना गा देना आज बढ़िया वाला गिटार में। तो देखते हैं आज मेरे लिए कौन सा ये गाना गाते हैं। और ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है देहरादून में, और वैसे तो सभी जगह बारिश हो रही है, लेकिन हमारे उत्तराखंड की ना बात ही अलग है। मतलब ठंडा बिल्कुल मतलब गया ही नहीं है अभी, ऐसा लग रहा है कि बरसात का मौसम आ गया है। बड़े और नवंबर दिसंबर दिखा दिया है, नवंबर दिसंबर का टाइम लग रहा है। और मुझे तो भैया सच में हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो मैं ना देहरादून का आप लोगों को मौसम दिखा देती हूँ कि हमारा यहाँ का मौसम कैसा हुआ है। अभी गाइस शाम का मौसम इतना बढ़िया हो रहा है हमारे एरिया में। और अभी थोड़ा सा टहल लेते हैं छत में। और दिन भर तो थोड़ा हल्की हल्की बारिश थी और अचानक से शाम के टाइम पे धूप आई। और आप लोग देख सकते हैं अभी कुछ इस तरह से मौसम हो रहा है, इस तरीके का नज़ारा। थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। और देखिए आसमान कितना सुंदर लग रहा है। और चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं। और मिलांश, हेलो गाइस, बोलो बेटा कैसे हो आप लोग? तो आजकल तो देहरादून का मौसम ऐसा हो रहा है कि रजाई रखें कि निकालें, और हम लोगों ने तो रजाई वगैरह सब रख दी थी, दोबारे हम लोगों ने रजाई निकाला। और मौसम इतना अच्छा हो रहा है अभी का, और कल का कुछ कह नहीं सकते। वैसे बोल रहे हैं 5 तारीख तक बारिश है, तो अभी कुछ मौसम का कह नहीं सकते हैं। अच्छा मौसम हो रहा है बढ़िया। और शाम के टाइम पे थोड़ा सा छत में हम लोग टहल रहे हैं। आप भागो, मैं आपको पकड़ूंगी, जल्दी भागो, चलो भागो, बीच में भागो, आराम से, गिरना नहीं, गिरना नहीं। बोले हेलो गाइस, मेरे हमारे गद्दे सूख रहे हैं, हमारे गद्दे सूख रहे हैं बारिश में, हमारे गद्दे सूख रहे हैं। बोलो बेटा गीला है ना, गीला है ये। ओहो प्लीज, अब क्या करोगे ऐसे करके? ये तो गीला है, ये गीला है ना, ये माओ के लिए रखा हमने ना। माओ इसमें नुन्नू करती है ना, माओ माओ नुन्नू करती है ना। हाँ तो छोड़ दो, चिची गीला है वो। क्या चाहिए? हैप्पी बर्थडे। रो के विश कर रहे हैं मुझे ये गाइस। ये ना मुझे बार बार बोल रहा है कि मम्मा केक दिखा दो, केक दिखा दो। और केक ना हमने फ्रिज में रखा हुआ, मैंने दिखा दिया ना, तो ये बोलेगा अभी काटो अभी काटो, चलो मैं दिखाती हूँ, चल चल चलो चलो केक दिखा दो, केक दिखा दो। लो ये दिखा दिया, यहाँ रखा हुआ। पापा जी को भी तो आने दो है ना। पापा जी, चलो पापा जी को फोन करते हैं। पापा जी आप आओ, हम केक कट करते हैं। चलो 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 चलो। तो अभी हमारे घर में सबसे पहले मेहमान आ गए हैं। ये मेहमान ऐसे कि दिन भर घर में मंडराते रहे। ये हमारे मेहमान ऐसे हैं कि हमारे घर में मंडराते रहते हैं। ओ ऐसा मत बोलो, घर चल रहा होगा, मैं शर्म के मारे मैं जा रहा हूँ, मैं बुरा मन गया, मैं जा रहा हूँ। देख सकते हैं ये लोग पंजा लड़ा रहे हैं, और देखते हैं कौन हार जीतना कौन जीतता है। चलो अबे ये उधर क्या खींच रहा है, टाइम पास तो करना पड़ेगा ना यार, ऐसी तो होता है, वीडियो दिखाओगे? हाँ मत खींचना, वहाँ खींचेगा तो फिर क्या होता है कि यहाँ खींचेगा तो फिर मेरा हाथ ऐसे हाथ तो तभी तो करता है। एक जगह लॉक करना जैसे मैंने लॉक किया। 1 2 3 मेरा हाथ। चल वैभव तेरी बारी, चल वैभव तेरी बारी, चल। ये देखो दोनों कैसे लेटे हैं, करेगा जल्दी करो पापा जी के साथ। 1 2 3
बच्चे मेरी बहू के बर्थडे की पकौड़ी खाने खीर वो जो जो बना रखा है तो मैं दिखा देती हूँ। और ये बना रखा है बूंदी का रायता और देख सकते हैं कितना टेस्टी बना हुआ है। और ये देखिए खीर एज यूजुअल हमेशा की तरह मम्मी ने देखिए कितना टेस्टी खीर लग रही है और दिखने में भी काफ़ी टेस्टी लग रहा है। खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी है। और ये पूरी के लिए आटा गूंदा हुआ है ये देखिए वाह लजीज लग रहा है ये भी टेस्टी। और इसको अभी ढक देते हैं। गर्मा गर्म पकौड़ी अभी निकल रही है तो आज ये बर्थडे में स्पेशल बना रखा है मम्मी ने। मंगलवार है और तो कुछ बन नहीं सकता इसलिए आज हम लोग सिंपल ही बना रहे वेज प्योर वेज प्योर वेज। और ये सारा बर्थडे में आज स्पेशल पूरा मम्मी ने बनाया है। और ये सारी चीजें आपको पता ही है मम्मी हमारे कितना टेस्टी खाना बनाती हैं इसमें कोई शक की बात है नहीं। बेटा भी झूठी तारीफ कर रही है। नहीं सच में सभी करते हैं सभी अभी देखना सब लोग कमेंट करके बोलेंगे आंटी बहुत अच्छा बनाती है। नहीं सच्ची में वाकई में अच्छा बनाते हैं। हाँ मम्मी बहुत अच्छा बनाती है खाना बचपन से हमने खाया है वही हमें पता है बजे के हाथ का खा रखा बच्चों ने मैं तो वैसे भी छोटा में है ना। आ गई हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू मिरांज। थैंक यू मिरांज। मेरा वो करो बेटा Happy birthday to you. Wow. कैसे आ सकते खुशी राखो स्वस्थ राखो बजी की ब्लेसिंग एक बार दोबारा बजी यहाँ देखो। थैंक यू मम्मी जी बजी बोलो फटाफट कार्रवाई करो और चलो। थैंक यू मम्मी जी ये यहाँ पे हमारे गोरखाली में भाग्यमानी उन्हें कहते हैं। आप लोगों को इसमें क्या कहते हैं कमेंट में लिख के जरूर बताना। क्या कमेंट में लिख के बताना मतलब बोलेगा हमारे हमारे बहुत इतना हल्ला मत वाओ मिराज के ऊपर फोकस करोगे ठीक है चलो। चाचा रुको तो जाओ इतने फटाफट खिला रहे हो कि जैसे बता रही खाली की तेरा भर के था तो क्या अरे वो क्या वो चाचा ने अपने लिए निकाला है। ये रहना गप्पा सब्सक्राइबर को बोल कि आप लोग की बीसीएम जोड़ी यूं ही बने रहे। हां नहीं बने हुए हैं उनके वो सब्सक्राइबर हैं आपके आपकी YouTube फैमिली है और उसमें से एक मैं भी हूँ मैं भी देखता हूँ। एक सब्सक्राइबर तो यही बैठा है। थैंक यू मेरी जीवन है वो बोल मेरे हैं सब संगिनी को। हाँ जो भी है चलो शब्द आपके हैं भाव मेरे हैं भाव आपके हैं शब्द मेरे हैं बस भाव मेरे एक ही बात है वो समझ गया। चलो देख रहे थे चलो मैं आपको बच्चों को कहा गए सबके सब अनुभव वैभव का गाना म्यूट बंद करना हम लोग का ये देखिए अभी बर्थडे जिस तरह से हमने सेलिब्रेट किया है मेरा बर्थडे। और अभी हम लोग करते हैं डिनर और केक से खाते हैं। आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और मुझे विश भी जरूर कीजिएगा आप लोग। और काफ़ी लोगों ने मुझे फेसबुक के जरिए भी और व्हाट्सएप में भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए हुए हैं तो उसके लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। एंड मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक आप लोग विषय जुड़ी देखते रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें।